हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। हो हो मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। चलेंगे साथ साथ, वाले हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। We shall overcome, we shall overcome, we shall overcome someday। हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब, हम होंगे कामयाब एक दिन। Oh deep in my heart, I do believe that we shall overcome someday। जो मेरा आवाज को सुनिए, फर्स्ट इलेक्शन में भी इस बार सपोर्ट किया था, सेकंड इलेक्शन में सपोर्ट करते समय में मुझे कोई आदमी ने ऐसे बोला है, गौतम जी आप जो है बीजेपी को सपोर्ट कर रहे हैं, देखो तुम बाद में फर्स्ट आएगा। मैंने बोला क्या फर्स्ट आएगा, वो जो अभियान के बाद गवर्नमेंट किसी को सपोर्ट करने से, कोई भी गवर्नमेंट आचार भी होने से अच्छा से चलाएगा, ऐसे हम जवाब देता था। अभी देखा है तो मैं खुद किरण रिजिजू को आज जो गवर्नमेंट मौजूदा गवर्नमेंट को लाखों रुपया खर्चा करके मैंने सपोर्ट किया, और आज गवर्नमेंट बनने के बाद बीजेपी गवर्नमेंट का हालत को देख करके मुझे ऐसा कि क्या करेगा अभी, उसको ना ओकर के फेंक सक रहा है ना क्या कर सक रहा है। धरना भी ये तीन बार हो गया, सब लोग धरना आ करके कोई लोग थक गया होगा, कितना धरना करेगा, अलग करना है। हम लोग धरना का अलावा हम लोग दिखाई नहीं देता है, क्योंकि क्रिश्चियन बॉन्ड कॉल तो नहीं कर सकता है, तो बॉन्ड कॉल करने से क्या बोलेगा लोग, ये सोच करके ये हमारा टेन्योर में ये लास्ट धरना है। इतना बड़ा बड़ा भी नहीं है, छोटा सा बिल्डिंग है, दो तो बिल्डिंग अंडर कंस्ट्रक्शन बना करके अभी फिनिश होने में, अगर आप परमिशन देने से दो तीन महीना में चार्ज फिनिश हो जाता है। We are very meekly approaching, but it is not our weakness. As the slogan says, we are approaching government because it's a constitutional right. जानबूझ के इग्नोर कर रहे हैं हमारे डिमांड को, हमारे मांग को। प्रेशर तो हमारा डिमांड और ये को हम संविधान का और राइट को हम फाइट कर रहे हैं, डेमोक्रेसी का। हम वहाँ ट्वांग का लोको चार्ज बनाने के, उन लोगों को लेके आने के लिए नहीं है, ट्वांग चार्ज इसलिए बनाना चाहता है कि हमारा क्रिश्चियन का विश्वास लोग सारे विदेशी से आता है, अरुणाचल से जाता है, सारे इंडिया लोग जाता है, अपना धर्म के लिए वर्शिप करने ढूंढने जाता है। तो वही हमारा एक मकसद है, हमारे संविधान में लिखा गया कि वो करने के लिए है। हम किसी का कम्युनल ममपा के खिलाफ में या किसी के खिलाफ में नहीं है, हमारा अधिकार है, ये हमारा गवर्नमेंट का लैंड है। अगर हम गवर्नमेंट का लैंड नहीं बनाएगा तो हम किसका लैंड बनाएगा, आप सरकार बताइए।
आज बीमार कांडू और ये हमारा मामा ना तुम ये बताइए हम किसका लैंड में हम चर्च बनाना है, किसका लैंड में हम मंदिर बनाना है, चर्च मस्जिद बनाना है। आपका युगम्पा यहाँ पे ईटानगर में दो तो है, हमारा सेप्पा में एक है, क्या हम लोग कुछ बोलता है उसका खिलाफ? बोलता है कि नहीं बोलता है? नहीं, हम लोग क्रिश्चियन वाला सबको मिलना चाहता है, सबको, सब धर्म को रेस्पेक्ट ऑनर करता है, गवर्नमेंट को ऑनर करता है और जो भी लीडर हम लोग रेस्पेक्ट करते हैं ऑनर करता है। लेकिन क्रिश्चियन लोग कान खुल के सुनिए, ये ज्यादा हो गया। हम लोग जो भी एसएम में कदम उठाएगा आप लोग साथ देगा ना नहीं देगा बोलिए। प्रेज द लॉर्ड। रेवरेंड डॉक्टर डोलोसोलो प्रेसिडेंट हिमालयन चर्च की तरफ से मैं सेकेंड लास्ट स्पीकर श्री नोरबू सोनम वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम और उसके बाद श्री जेम्स टची थारा वाइस प्रेसिडेंट अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम को मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप भी तैयार रहिए। हमारा चीफ मिनिस्टर जो हम सबका चीफ मिनिस्टर है वो किसी हिंदू का नहीं, बुद्धिस्ट का नहीं, क्रिश्चियन कम्युनिटी का नहीं, दोनों पोलो का नहीं, किसी का नहीं है, वो सबका है, हम सब के लिए है। तो वो लोग तू सुनता नहीं है हम लोग का बात को, तू नहीं सुनेगा तो हम लोग क्या करेगा? हम टोल में चार्ज बनाएगा निर्माण होने के बाद सबसे पहले हमारा प्रेयर जो है बुद्धिस्ट कम्युनिटी का हित में होगा, हमारा बुद्धिस्ट समाज को आगे बढ़ने के लिए होगा। हमारा सरकार में जो चीफ मिनिस्टर मिनिस्टर एमएलए बन के चला रहा है ये सबको विस्टम नॉलेज देने के लिए प्रार्थना करेगा ताकि ये लोग के पास नॉलेज हो, विस्टम हो, ताकि स्टेप को अच्छा से ले चले। स्पिरिचुअली हमको प्रेयर करने का जगह नहीं देगा, शांति नहीं देगा, सबसे बड़ा भूखा वही है क्रिश्चियन समाज के लिए। इसलिए हम लोग को लेके चलिए, हम आप लोग का साथ में है, गवर्नमेंट का साथ में हम सब, और हम लोग आपको आगे बढ़ने में हम लोग जरूर साथ देगा। हमारा क्रिश्चियन बिलीवर लोग कमजोर है बोल के पैसा लेता है बोल के ना अब हमको कम्युनिटी का तरह काल खरीद लेगा सोचता है, लेकिन जिस दिन क्रिश्चियन लोग जग जाएगा ना मेजोरम में खरीद नहीं पाता है, मेघालय में खरीद नहीं पाता है, तो वो नौबत भी यहां आएगा एक दिन, वो नौबत भी पक्का आएगा। तो इसलिए हमें मजबूर मत कीजिए, सचमुच में लेके चलिए, लेके चलिए, बहुत टाइम ले। सब लोग बोलते हैं डेमोक्रेसी मूवमेंट करना चाहिए, दिस इज पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी मूवमेंट, हंगर स्ट्राइक करेगा, प्रोटेस्ट रैली करेगा, दिस इज डेमोक्रेटिक मूवमेंट। डेमोक्रेटिक मूवमेंट डज नॉट एंड इन द धरना, आप समझिए, गौर से सुनिए। डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस, डेमोक्रेटिक मूवमेंट जो है धरना में खत्म नहीं होता है, किस में खत्म होता है, किस में खत्म होता है डेमोक्रेटिक? हम जिस चीज को मांगता है डेमोक्रेटिक करिए हम अचीव करने के लिए स्टेजेस होता है, उस स्टेज में नहीं होने से अंतिम डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहां होता है, वेर इट एंड्स, इलेक्शन वोटिंग में ही एंड होता है। हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट ऐसे करते जाएगा नहीं देगा, मानेगा नहीं है, हमको इलेक्शन बोलने का जरूरी नहीं है, हमको डेमोक्रेटिक प्रोसेस जितना हमारा प्रविधान है डेमोक्रेसी का मूवमेंट में जो लड़ने का ताकत शक्ति है आपका वोट में ही भी एंड ऑफ द डेमोक्रेसी मूवमेंट होता है। आपका डेमोक्रेसी मूवमेंट जो है स्ट्राइक में नहीं हुआ, बॉन्ड कॉल में नहीं हुआ, प्रोसेस में नहीं हुआ, धरना में नहीं हुआ, आपका डेमोक्रेटिक एंड होता है आपका बैलेट पेपर दबाने में, अगर उधर आप हार गया तो योर डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज फेल, योर डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज डिफीटेड। हम कब तक करेंगे ये डेमोक्रेटिक करने का प्रोसेस, रोड ब्लॉक है करने का, ये एंड नहीं है। अच्छा से घर में जाके सोचिए, हमारा डेमोक्रेटिक मूवमेंट जब तक हम हमारा टारगेट अचीव नहीं करता है, हमारा डेमोक्रेसी डेमोक्रेटिक मूवमेंट का हार और जीत का फैसला
पॉलिटिक्स में खत्म होता है, इलेक्शन में खत्म होता है। डेमोक्रेटिक एंड डियर नॉट एट द इंदिरा गांधी पार्क, नॉट एट टेनिस कोर्ट, यहाँ एंड नहीं होगा। तो आप लोग डेमोक्रेटिक मूवमेंट लास्ट फाइट तक जाने मन है, बीच में हम लोग को छोड़ नहीं देगा ना। शिव जी का मूर्ति जैसे आप बाजार में नहीं रखोगे, अपना को रेट फिक्स करके यहाँ ऐसे भूखेगा नहीं ना। मुझे 10,000 का कीमत है, मैं जैन स्टेची 10,000, तो कहते कि 20,000 बाजार में नहीं रखेगा ना आप लोग। अगर रखना है तो आज से आप डेमोक्रेटिक मूवमेंट में इन्वॉल्व मत कीजिए, फाइट लास्ट तक जाना है तो इन्वॉल्व कीजिए। हमारा वी हैव स्टार्टेड डेमोक्रेटिक मूवमेंट, डेमोक्रेटिक फाइट इज स्टार्टेड, एंड ऑफ द डेमोक्रेटिक जजमेंट डिसीजन ऑफ द डेमोक्रेटिक मूवमेंट इज द इलेक्शन, इलेक्शन तक हमको जाना। आज सरकार सोचता है डेमोक्रेटिक मूवमेंट को यहाँ तक रोक देंगे बोलने से, हमारा मांगे यहाँ दे देने से हमारा डिमांड यहाँ खत्म होता है, हम उधर तक नहीं पहुंचे। अगर नहीं पहुंचने देना है वो गवर्नमेंट का ऊपर में, सरकार का ऊपर में। हमारा मांग दे दिया तो हम वहां तक जाएंगे नहीं, हमारा डिमांड मान गया। अगर नहीं है उधर जाके हमारा हार जीत करने का बात हम छोड़ सकते हैं। तो ये इलेक्शन पहुंचने से पहले, डेमोक्रेटिक इलेक्ट्रल डेमोक्रेटिक मूवमेंट करने से पहले हम लोग बहुत चीज करने का विचार है। हमने फैसला करके रखा है, अगर सरकार हमारा बात नहीं मानता, हमारा चार्ज बनाने नहीं देता, हम खुद जाएंगे, हम तवांग में जाके हम खुद चार्ज बनाएंगे। ये हमारा ACF ने डिसीजन लिया हुआ है, ये हम लोग ने डिसीजन लिया हुआ है। इसलिए उसमें सिर्फ हम एक दो जाने से नहीं होगा, लोंगडिंग से लेके तवांग तक चार कॉर्नर से जितना अरुणाचल में क्रिश्चियन है, इटा लेके सीमेंट लेके हम अपना बनाने के लिए हम सब कॉर्नर से निकालने का हम फैसला करके रखा है। अगर इस डिमांड से नहीं मानता है भले हमारा जान चला जाए, हमारा कुछ भी हो जाए, हम अपना मंदिर को अपना चर्च को हम बना लेंगे, ये हम फैसला करके रखा है। मुझे पता है उसमें बहुत तकलीफ होगा, हमें आर्मी लगाएगा, CRPF लगाएगा, सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्स लगाएगा, हमें पता है। वो भी हम इसको भी भुखने का आप सब तैयार है, लाठी खाने का तैयार है, तो आप अपना बस्ती वापस जाइए, अपना घर वापस जाइए। हम आज यहाँ में बहुत कम लोग है, हम अरुणाचल क्रिश्चियन फोरम में उन सबको ये बात को पहुंचाने का, हम देश डिस्ट्रिक्ट डिस्ट्रिक्ट ब्लॉक ब्लॉक में हम भी बापू जाके ये कन्वे करने का कोशिश करेंगे। और आप लोग आज जाइए, आप भी बताइए कि हम अरुणाचल का क्रिश्चियन लोग ने ये डिसाइड किया है। I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back.